हेलो एवरीवन, आई एम देव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यह वीडियो हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बिहार स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स पर आधारित है, जो कि बिहार स्टेट के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नियर फ्यूचर में कंडक्ट कराए जाएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चंस में इससे एक दो सवाल पूछे ही जाएंगे। तो बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दोस्तों, वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार के जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, वो है श्री नीरज कुमार सिंह। और इंडिया के अगर आपसे कोई पूछता है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने ही यह जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसको सामने जारी किया सबके, कब? 13 जनवरी 2022 को, ठीक है। ये 2021 का संस्करण है, हर दो साल में होता है। 1987 में शुरू हुआ था, अगली बार 2023 में रिलीज किया जाएगा। तो जब तक 2023 में रिपोर्ट आती है, तब तक बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब ISFR है 2021, इसके मुताबिक जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है बिहार का, वो है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 7381 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और अगर राउंड ऑफ करके अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में कहीं दिखता है तो 7381 वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। ये बिहार के टोटल एरिया का 7.84% है। 7.84% वैसे तो बहुत ही कम हुआ, क्योंकि किसी भी राज्य में देखेंगे आप तो वहाँ का एरिया जो है, टोटल एरिया, उसका जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन बिहार का कम है। और जो नेशनल एवरेज है हमारा, वो है कितना आपका, 21.71% है टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया अगर किस डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जाए आपसे, तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, और उसमें से कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। 31.56% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। और लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, 0.17% ओनली 0.17%, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो भी कैमूर में ही आपका 1051.56 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। और जो लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया है आपका, वो है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख लेंगे इस तरह से, अगर परसेंटेज वाइज भी पूछता है आपसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो कैमूर में है, और लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो शेखपुरा में। और अगर एरिया वाइज भी आपसे पूछता है कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कैमूर में है और लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया शेखपुरा में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 2019 के जो रिपोर्ट आई थी, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें जो बिहार का जो संस्करण था, उसमें किस जिले में 2021 में चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है, किसमें सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो मैक्सिमम गेन हुआ है, जो मैक्सिमम वृद्धि हुई है, वो बांका जिले में ये वृद्धि दिखी गई है टोटल फॉरेस्ट कवर में, कितने की वृद्धि, तो प्लस में है 16.29%। और जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो कैमूर जिले में हुआ है, -4.83%, इसलिए मैंने इंडिकेट किया हुआ इसमें, ठीक है। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जहां डेंस फॉरेस्ट नहीं है, सिर्फ ओपन फॉरेस्ट है वहां, तो जहानाबाद वो जिला है जहां पर न वेरी डेंस फॉरेस्ट है न ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। अगला है आपका, सबसे ज्यादा रूरल एरिया में फॉरेस्ट के बाहर यानी जंगल के बाहर कौन सा ट्री होता है, मतलब कौन से पेड़ है, तो मैंगो ट्री लगाए जाते हैं, और मैंगो ट्री का साइंटिफिक नेम है, वह है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आम। और अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्र में, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा जंगलों के बाहर मिलता है, तो वह है लीची। तो लीची का साइंटिफिक नाम क्या लिखा हुआ है, लीची सेनेंसिस, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इन्वेजिव स्पीसीज कौन है, मतलब जिसके होने से बाकी पेड़ पौधों को नुकसान होता है और वो जहां कहीं भी आप देखेंगे इधर उधर उग जाते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बिहार में, तो वो येलो फ्लावरिंग प्लांट है, राइमुनिया उसका हिंदी नाम है, और इंग्लिश नेम जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है लंतना कैमारा, ठीक है। अब ISFR 2021 बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने टैबुलेट किए हुए हैं, टेबल के फॉर्म में है, आप उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लें और थोड़ा रट लें, याद कर लें, बार बार अच्छे ढंग से उसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
पूछे जा सकते हैं ये आपसे, ठीक है, एक दो सवाल इसे तो बनेंगे ही। आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, जो फॉरेस्ट की जो कैटेगरी है, जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अत्यंत सघन जंगल, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का मतलब जो मध्यम सघन जंगल है, ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन जो है, ठीक है, और जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसके लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया, अलग कॉलम बनाया है, और जो ट्री कवर है उसके लिए अलग कॉलम बनाया है, फिर बंबू ट्री के लिए अलग बनाया है, स्क्रब के लिए अलग बनाया है, और टोटल कार्बन स्टॉक मैंने लास्ट कॉलम में दिखाया है। और इसके जो नीचे आपके रो हैं उसमें एरिया परसेंटेज और नेट चेंज मतलब कितना बढ़ा है या कितना घटा है वर्ग किलोमीटर में 2019 के रिपोर्ट के बनिस्पत, वो भी मैंने इसमें दिया हुआ। तो इस टेबल को अच्छे ढंग से थोड़ा सा ध्यान से आप देख ले और इसको दिमाग में अच्छे ढंग से याद रख ले, ठीक है। तो इसको देख ले थोड़ा, एरिया वाइज जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट 333 वर्ग किलोमीटर है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3286 वर्ग किलोमीटर है, ओपन फॉरेस्ट 3762 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7381 वर्ग किलोमीटर। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट कितना है, एक्चुअल कितना है, तो डेसिमल में अगर पूछता है आपसे दो अंकों तक, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर यानी 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर होगा टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ परसेंटेज वाइज ये कितना है, तो 7.84% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का जितना भी है उसका 7.84% है, ठीक है। और टोटल बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, मैंने पहले बता दिया था आपको, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब ट्री कवर कितना है, ट्री कवर जो बिहार का है वो है आपका 2,341 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज वाइज ये बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना आएगा, 2.486%, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 2019 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में 2021 में कितना बदलाव हुआ है, तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया में बदलाव हुआ है दोस्तों वह है +75 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। और जो टोटल ट्री कवर में बदलाव हुआ है दोस्तों वह है आपका +338 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 338 वर्ग किलोमीटर जो है वो बढ़ा है ट्री कवर बिहार में, ठीक है। बंबू ट्री का देख लेते हैं, बंबू ट्री जो बिहार में 1103 वर्ग किलोमीटर यानी 1103 स्क्वायर किलोमीटर में है टोटल बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का। और अगर पूछा जाए कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज बिहार में बंबू ट्री है, तो 0.74% है। और पूछा जाए कि वो कितने कम्स में है, मतलब कितने स्टेम्स हैं बंबू ट्री के, बांस के कितने आपके कम्स हैं, ठीक है, कम्स तने को कहते हैं, स्टेम को कहते हैं, तो 235 मिलियन कम्स हैं, ठीक है। स्क्रब का आप देख लेते हैं, स्क्रब पहले 236 वर्ग किलोमीटर में आपका, ये 2021 का जो डाटा है इसमें, 2021 के डाटा में आपका 236 वर्ग किलोमीटर में स्क्रब है, और 0.25% जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का है उसका स्क्रब है आपका, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कमी हुई है या बढ़ोतरी, तो आप बोलेंगे कमी हुई है, 14 वर्ग किलोमीटर यानी 14 स्क्वायर किलोमीटर कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका टोटल कार्बन स्टॉक बिहार में कितना है, तो 56.88 मिलियन टन्स है, और ये इक्विवेलेंट है आपका 208.56 मिलियन टन्स ऑफ CO2 के, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के। और पूछा जाएगा टोटल कार्बन स्टॉक टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है, तो आप बोलेंगे 0.79% है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज आप ये वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अब कंडक्ट होंगे, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।